हेलो गाइस, आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर डिज्नीलैंड पे। हेलो एवरीवन, आज आपके आसमिस बिहारी कपल आए हुए हैं डिज्नीलैंड मेला में। जो चलिए आपको डिज्नीलैंड जाएंगे, सबसे पहले हम लोग टिकट काउंटर पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने के लिए जो है आपको टिकट कटाना पड़ता है और अंदर जाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो देखते हैं कितना टिकट का प्राइस लगता है। टिकट जो है वो हर पर पर्सन जो है वो आपका 10 रुपीज लगा है अंदर जाने के लिए। लोग अंदर जो है वो इन करेंगे, यहाँ पे जो है वो 15 रुपीज जो है वो टिकट लगा है। तो हम लोग इन कर चुके हैं अंदर। देखिए अंदर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इन करते हैं दुकान सब, अलग अलग चीज़ों का देखने के लिए मिलेगा। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे 100 रुपीज में चप्पल दे रहे हैं, जूती चप्पल सब कुछ, ये सब 100 रुपीज ही है सब, मतलब अलग अलग प्राइस का है। हाँ ये सब का क्या काम है? वो खुला, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये लॉकेट सब क्यों? और ये देखिए, ये मोनिहारी का दुकान है लड़की सब के लिए, तो आप लोग जानते ही हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा आपका है। और ये देखिए, ये सही सब है, और ये आपका वाला गले में पहनने वाला आइटम सब। तो दुकानदार होते तो प्राइस सब पूछते। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था, छोटा छोटा स्वीट सब भी है। आते समय आपको पूछ के प्राइस कितना है, क्या है, पूछ के बताएंगे। हैंडबैग का दुकान है भैया, ये इसका प्राइस कैसे है? कौन सा ये सब? और कहाँ ये कहाँ का है आपका? शांति निकेतन कहाँ, कौन सा? वहाँ से आए हैं ये सब सामान। इसका प्राइस है 2500। यहाँ पे लगता है आसमिस गर्ल को कुछ पसंद आ गया है, एक शायद वो खरीदेगी। देखते हैं क्या है ये आपका हाथ में पहनने वाला। और ये फूल सर, पूरा आपका फूल डानी के साथ जी जी क्या है? लाइटिंग सर, मैम ये लाइट सिर्फ 500 का ही है। ये सब क्या काम है? वो ये आपका पेंट स्टैंड है ना, 80 रुपीज। बहुत सारे कप सब भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अच्छे अच्छे कप्स। डिज्नीलैंड मेला जो है दोस्तों, ये एक तरह से आपका बहुत हद तक शॉपिंग सेंटर की तरह भी है। आप जरूरत वाले सामान सब भी यहाँ से जो है वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा गर्ल्स लोगों का जो है आपका सैंडल है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है आपको गर्ल्स लोगों का, मेरे पीछे आपको सैंडल सब दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ज़रूरत वाली चीज़ें भी जो है वो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। अभी हम लोग जाते हैं कंगन ये सब की दुकान में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे। भैया ये सब प्राइस कैसे हैं, कहाँ से आए हैं आप? यही पे है कोई सबसे बड़ा जो साइज का है वो दिखाई, सबसे बड़ा एक्सेल लेडीज पर्स है। देखते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारा बैग है, हैंड बैग है, आप लोगों को जैसा जैसा चाहिए वैसा भी है। और यहाँ पे बहुत चमकीली चमकीली बैग सब भी है, जो सब दुल्हन सब जब लेते हैं तब बहुत अच्छा लगता है।
क्या चीज है ये? इयर रिंग ले लो, तुमको तो चाहिए ना। इधर जो है वो आपका लकड़ी का आइटम सब है, वुडन चीजें जो है वो इधर आपको मिलती है। हम लोग एक चकुला बनला तो ले ही सकते हैं, जो जरूरत है। डब्बा होता था, संदूक दे। ये ज्वेलरी केस है, ज्वेलरी रखने वाला, ज्वेलरी रखने वाला है ना। खोल के भी दिखा देते हैं, देखिए इसमें ज्वेलरी भी रखते हैं। पहले महारानी सब यहीं पे ज्वेलरी रखते थे। अच्छा है, लकड़ी वाले में खराब नहीं होता। ये जो है वो पर्दा का दुकान है, यहाँ पे आपको कर्टेंस मिलेगा अलग अलग साइज, अलग अलग कलर का, और डोर मैट भी। तो इससे पहले भी मैं बहुत बार डिज्नीलैंड मेला में आया हुआ हूँ, लेकिन आज पहली बार जो है मैं ब्लॉगिंग सोचा कि मैं ब्लॉगिंग बना लेता हूँ इस पूरे डिज्नीलैंड मेला का। ये आपका पापड़ तिलौड़ी, ये सब का दुकान है, अचार है, पिकल्स भी आपको मिलते हैं, राजस्थानी पिकल, ओरिजिनल घर का बना हुआ, ओरिजिनल राजस्थानी है। पूछोगी तो ना पता चलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कितने सारे पिकल्स हैं अलग अलग तरह के। भैया एक चीज क्या क्या है बताओ। बता लहसुन का है, बहुत सारे पिकल्स हैं अलग अलग तरीके के, अदरक हो गया, आमला हो गया, आमला कच्चा हो गया, कटहल का हो गया, ये करेला का है, लाल मिर्च की कटिंग। ओरिजिनल रे, केमिकल से बना हुआ अचार लेने का क्या फायदा, ये ओरिजिनल घरेलू है। राजस्थान का था, राजस्थान का, राजस्थान का सचमुच में आया है। ये लोग बोलते हैं कि राजस्थान से आया हुआ है, लेकिन केमिकल का बना हुआ अचार सब होगा मुझे लगता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के अचार जो है वो आपको, ये आमला का अचार है, देखिए कितना बड़ा आमला, और ये है आपका कैचेज का, और ये बेल का मुरब्बा है, और ये आमला का मुरब्बा है, और ये है आपका काला जाम, किस का, बैर का मुरब्बा। आसमिस गर्ल को मिर्ची वाला अचार पसंद आ गया है, तो हो सकता है कि हम लोग मिर्ची वाला अचार ले लें। यहाँ पे आसमिस गर्ल जो है वो आपका अचार ले रही है, क्या क्या चीज का अचार ले रही है? ये मिर्ची वाला और ये मिक्स आम भी है ना भैया? दुकान से हम लोगों ने जो है वो दो क्वालिटी का अचार ले लिया है, एक आम का और एक मिर्ची का। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका इडल्स है, मूर्ति है, ये देखो राधे कृष्ण का मूर्ति भी है। ओ, ये सब ये क्या है? ये स्प्रिंग है खेलने वाला, देखो ऐसे ही हाथ में बस लेके घुमाना है। कितना दाम है इसका? ये चूड़ी वाले दुकान पे जो है वो अभी फिर से आसमिस गर्ल आ गई है। यहाँ पे जो है वो आपका की रिंग सब जो है वो मिल रहा है, और ये की रिंग जो है वो बना हुआ है आपका क्या चित से है वो, ये सी सेल का है, ये की रिंग सब अलग अलग डिजाइन का, और ये सी सेल से ही बना हुआ आपका मिरर भी है। यहाँ पे शंख भी है आपका, क्या है ये? पल्स। कितना दाम है? यहाँ पे हर सामान जो है वो आपका 25 रुपीस में है, तो कोई ज्यादा नुकसान की जरूरत नहीं जाते, इसमें हम लोग मिर्ची का अचार ले लें। ये रबर की अच्छी चीज है, मतलब ये कोलकाता का फेमस हर एक माल है, 25 रुपए में यहाँ पे हर एक माल मिल रहा है, आप हर एक सामान 25 रुपए में। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपको, ये इमली हॉफी है, इमली टॉफी है, उसमें ट जो है वो ह की तरह लिखा हुआ था, और शहद आमला है, और ये बचपन में बच्चे लोग जो चॉकलेट्स खाते थे वो सब चॉकलेट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये लेना लो, ये मूंग, ये वाला, ये सॉफ्ट सॉफ्ट वाला।
ले लो एक, ले लो एक। यहाँ पे सौंफ भी है आपको, ये पान मसाला है कि सौंफ है जो है वो, इसको खा के देख रहे हैं ये सौंफ जो है वो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे सब चीज़ बहुत महंगा है। 20 अरे तो ये लोग बाहर से थोड़ी यहाँ पे बेचने के लिए आएंगे, खुदरा सब तो ख़त्म हो गया। ये पूजा करने वाला भी आसमस गर्ल को पसंद आ गया है ये सब। ये जो है वो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा ये पता नहीं क्या क्या सब है, डॉल जैसा है ऊपर। और ये जो है वो आपका वो है बाइनो कूलर्स दूरबीन। हाँ इसका बहुत अच्छा अच्छी। यहाँ पे जो है वो आपका घड़ी है, रिस्ट वॉच है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम। अरे रिस्ट वॉच अच्छे अच्छे हैं। अभी हम लोग एक उस दुकान पे आ गए हैं आपका ये सैंडल वाले दुकान पे। ये बच्चे का खेलने वाला बर्तन है। यहाँ पे आपके चश्मे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल्स है, और उधर जो है वो आपका बर्तन आइटम या किचन आइटम जो है वो मिलता है। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का मूर्ति भी। ये देखिए आपको जो है वो शिव का, बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, महावीर जैन का, गणेश जी का, बहुत सबका अच्छा अच्छा मूर्ति सब जो है। और ये आपका फाउंटेन के साथ जो है वो आपको मिला है इनका मूर्ति। किनका है ये? महावीर जैन का। और ये गणेश, पार्वती और भगवान शंकर। यहाँ पे हम लोग एक सेल्फी ले लेंगे। यहाँ पे जो है वो ये प्लास्टिक का कॉम्ब है जो दिखने में लकड़ी जैसा लग रहा है। ये पूरा आइसक्रीम शॉप है, यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर वाले आइसक्रीम जो है वो खाने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे फिर से भी आसमिस गर्ल जो है वो अब लेडीज पर्स की दुकान पे आ गई है। ये बहुत ज़्यादा लेडीज पर्स की दुकान पे आती है। यहाँ पे पबजी गन शूटिंग भी है आपका, यहाँ से जो है वो आप गन शूट करते थे। पहले पुराने ज़माने में बस नॉर्मल ही शूटिंग रहता था, लेकिन जब से पबजी पॉपुलर हुआ है तब से ये पबजी गन शूट फुलाने वाला जो है वो यहाँ पे। देखिए ये लड़का कितना अच्छा से इसको फुला रहा है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ओरिजिनल जगह आपका यही है, मेलों की दुनिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इंटाइस करता है और अट्रैक्ट करता है यहाँ के अलग अलग तरह के आपके झूले। ये कैपेसिटी निकाल रहा है झूला, ये देखिए। चलिए कितना एक्साइटेड है उस ट्रेन को देख। ये देखिए यहाँ पे जो है वो आपको सब तरह के झूले जो है वो मेरे पीछे देखने के लिए मिल रहे होंगे, और इसीलिए जो है वो बच्चे लोग डिज्नीलैंड मेला में बहुत ही ज़्यादा आना चाहते हैं। ये बच्चे लोगों को ज़्यादा एक्साइट करता है इतने तरह तरह के जो आपका राउंड अबाउट है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इधर भी झूलुआ है आपका, अलग अलग तरह के स्विंग्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए ये बड़ा वाला ट्रेन जो है वो, जिसके बच्चे लोग कैसे झूल रहे हैं आपका। बच्चे लोग आपका झूल रहे हैं। इतना सारा आपको झूलुआ है सभी जगह आपको। चलो हम लोग भी चलते हैं। अलग तरह
तरह के स्विंग्स और राउंड अबाउट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है डिस्को राउंड अबाउट एंड दिस इज बेसिकली ए नॉर्मल स्क्यूडलिंग स्विंग। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिज्नीलैंड मेला का, ये राउंड अबाउट। ये बहुत ही रिस्की लगता है मुझे हमेशा से, इस पे पता नहीं बच्चे लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं इसको। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये राउंड अबाउट, ये कुछ अलग ही तरह का झूला है आपका। इस साइड जो है वो राउंड अबाउट और इस साइड ये स्क्यूडलिंग स्विंग। इधर भी जो है वो आपका बच्चे लोगों का ये स्लाइडर है, यहाँ पे बच्चे लोग जो है वो स्लाइडिंग करते हैं। अबे भी डिज्नीलैंड में सरवाल घूमते हुए तो एक भूत बंगला भी है अंदर जो है वो आपका सो चलाया जाता है भूत बंगला का। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पे बच्चे लोगों का जो है वो खेलने के लिए जो है वो स्विमिंग पूल जैसा भी बना हुआ है, इसमें बच्चे लोग जो है वो बैठ के ये छोटे छोटे बोट्स में आपका स्विमिंग करते हैं, मतलब इसमें चलाते हैं अपना बोट, बोटिंग करने के लिए है। बच्चे लोगों का स्विमिंग बूट के पास हूँ मैं अभी, बहुत ही अच्छा है ये स्विमिंग पूल। और मेरे पीछे है भूत बंगला, ये भूत बंगला देखिए कैसे ड्रामनी चुड़ैल लग रही है, भूत बंगला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए है, अगर आपको खाना है तो आलू पनीर टिक्का चाट और यहाँ पे आपको चाउमीन फूड जोन और अलग अलग तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी हम लोग रोल खाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। कैसे है रोल? अरे डबल एक बाहर में 35 है, यहाँ पे जो है लिट्टी खा लेते हैं चाट। हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग वहाँ पे चाय की टपरी पे जाते हैं और चाय पीते हैं। इधर ट्रेन वाला जो है वो आपका झूला है जिसको मैं आपको उस साइड से दिखाया था। ये देखिए कैसे आपका अप एंड डाउन कर रहे हैं, ये सीरियल है। यहाँ पे गन शूटर है, आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं और बैलून को कर सकते हैं। कैसे है 40? कितना गोली, कितना राउंड? 12 राउंड, 40 रुपीज में 12 राउंड, मतलब 12 बार गोली मारने के लिए मिलेगा। स्लाइडर है यहाँ पे जो है वो आप स्लाइड कर सकते हैं बॉल। दोस्तों इस मेले की एक और खास बात है कि हर काउंटर पे जो है वो आपको लेडीज लोग ही मिलेंगी बैठे हुए, सब काउंटर पे जो है वो लेडीज लोग। ये जो है वो आपका लकड़ी का बना हुआ बहुत ही स्टाइलिश बाइसाइकिल है। कितना भैया? थोड़ी अच्छे मिठाई जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जलेबी है और ये जो है वो पता नहीं कौन सा मिठाई है, ये कौन सा मिठाई है वो, ये मालपुआ है। जलेबी कैसे है? 60 रुपए का आधा, 100 रुपए का आधा किलो है। ये नमकीन आपका मिक्सचर। दोस्तों हम लोगों का सब पूरा मेला हम लोग घूम लिए हैं, अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। निकलते टाइम ये बैग जो है वो दिखाई दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, अभी हम लोग पूरा मेला अपने साथ साथ आपको भी घुमा दिए। ये आपका जाने का गेट है, एंट्री गेट एंड आउट्रो गेट अलग अलग है।
हेलो गाइस, अभी हम लोग घूम फिर लिए, बहुत मजा किया। अभी बिहारी बॉय बोलेंगे। अभी ये दोस्तों हम लोग बाहर निकल गए आपका डिज्नीलैंड से, और अपने साथ साथ आपको भी पूरा घुमा दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप लोगों के पास आएंगे। थैंक यू। अभी जो है वो हम लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग, जैसा मैं पहले भी कितने वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम लोगों का आने वाला है नॉर्थ ईस्ट और भूटान सीरीज इस समर वेकेशन में। तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम।